टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में, आज के एपिसोड में मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा, तीन डिशेस बताऊंगा। जैसा कि पिछले कुछ सालों में, यानी 6 सालों से आपको मैं तीन रेसिपीज बताता हूं हर एपिसोड में, आज भी बताऊंगा। 300 से ऊपर एपिसोड हो चुके हैं और बहुत सारी हमने आपको रेसिपीज बताई हैं। ज्यादातर एक वेजिटेरियन होती है और उसके बाद नॉन वेजिटेरियन और एक मीठी डिश। तो आज भी शुरुआत करते हैं दही की चटनी से और इसके बाद दम मिर्च मछली, यही नाम है अगली डिश का। और उसके बाद कुछ मीठा, मीठा भी अलग सा मीठा, और उस मीठे का नाम है खजूर की फिरनी। शुरुआत करते हैं दही की चटनी से। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप ग्रेट किया हुआ नारियल, 4 हरी मिर्चें, 2 सूखी हुई लाल मिर्च, 10 से 12 करी पत्ते, 1 इंच बड़ा पीस अदरक का, 1 बड़ा चम्मच चना दाल, 1 बड़ा चम्मच उड़द दाल, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, नमक स्वादानुसार, 1.5 कप दही, 1 बड़ा चम्मच तेल और 1/2 छोटा चम्मच राई। दही की चटनी के लिए आप सबसे पहले दही को फेंट लें। आप दही ले लें और उसे अच्छी तरह से हमने फेंटना है। ये जो दही है, अगर थोड़ी खट्टी है तो भी चलेगी। कई बार ऐसा होता है कि दही आप लेते हैं और इस्तेमाल नहीं होती है, खट्टी हो जाती है, तो आप ये चटनी बना सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चटनी को सिर्फ खट्टी दही से ही बना सकते हैं। अगर मीठी दही से बनाना चाहे तब भी बन सकती है। सबसे पहले दही, खट्टी या मीठी कोई भी दही हो, उसे फेंट लें। दही फेंटने के बाद दही में कुछ हम चीज़ें डालेंगे ताकि दही से वो दही की चटनी बन जाए। क्या क्या चीज़ें डालेंगे, इंग्रेडिएंट्स आपने देखे हैं, किस तरह से डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक पैन में आप तेल गरम कर लें। जब तक तेल गरम होता है कुछ तैयारी हम कर लेते हैं। अदरक को हम रफली काट लेते हैं, अदरक के पीसेस। अदरक के साथ साथ हरी मिर्चें, यदि आपको ज़्यादा तीखी चटनी खानी है तो ज़्यादा हरी मिर्चें, नहीं तो करीब 3 से 4 हरी मिर्चें आप इसके अंदर डालें। अब तक ये जो तेल है ये भी गर्म हो चुका है और इस गर्म तेल के अंदर हमने डालना है चने की दाल और उड़द की दाल। इन दोनों दालों को हमने भूनना है। ये जो दोनों दालें हैं थोड़ी सी ब्राउन होनी चाहिए, थोड़ी भूरी होनी चाहिए। ये हमने जो अदरक और हरी मिर्च काटी है इसको हम पीसेंगे। अदरक, हरी मिर्च और इसके साथ इसमें हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ नारियल। अब ये जो दालें हैं कुछ ब्राउन होनी शुरू हो गई हैं, अब आप इसके अंदर डालें करी पत्ते और करी पत्ते को हल्का सा भूनना है हमने, इसलिए जब दालें भून जाएं उसके बाद करी पत्ता आप इसके अंदर डालें। और इन सब चीजों को इसके अंदर अब हम डालेंगे और इसके साथ इसमें डालें थोड़ा सा पानी। और अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। अब ये जितनी चीजें हैं वो पूरी तरह से पिस चुकी हैं, इसे हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद एक बार फिर थोड़ा सा तेल ले लेते हैं। ये जो चटनी है इसमें हमने तड़का देना है। आप देख रहे हैं अभी ये जो चटनी है तैयार नहीं है, हमने दही को फेंटा था और अब ये जो हमने पेस्ट बनाई है इसको इसके अंदर डालेंगे और इन सब चीजों को मिक्स कर लें। दही में ये जो पेस्ट हमने बनाई है इसे मिक्स करें। अब ये जो तेल है ये गर्म हो रहा है, इसके अंदर हम डालेंगे राई, थोड़ी सी आंच धीमी कर देते हैं, और इसके साथ इसमें डालें लाल मिर्च इस तरह से इसको काट कर। लेकिन जो चटनी है अभी इसमें कुछ चीज़ें डालनी बाकी हैं, जैसे इसमें अभी हमने नमक नहीं डाला है,
नमक डालें और इस चटनी को थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए, यदि दही पूरी तरह से खट्टी नहीं है तो आप डालें नींबू का रस। इसे मिक्स करें और इसके बाद ये जो तड़का है इसको डालें चटनी के ऊपर। इसे मिक्स कर दें। ये तो तैयार होगी इतनी सिंपल सी दही की चटनी। थोड़ी सी दही ली, दही को मिक्स किया, उसके अंदर एक पेस्ट बनाई जिसमें नारियल है, अदरक है, हरी मिर्च है, दालें हैं, और उन सब चीज़ों को मिक्स करके उसमें थोड़ा सा तड़का लगाया और बहुत ही सिंपल, बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली दही की चटनी। लेकिन सब रेसिपीज़ इतनी आसान नहीं होती, इतनी सिंपल नहीं होती। कभी कभी ऐसी सिंपल रेसिपीज़ मैं आपको बताता हूँ और कई बार थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत ही बढ़िया रेसिपीज़ भी ज़रूर बताता हूँ। एक ऐसी रेसिपी जो थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, देखिए लेकिन इस ब्रेक के बाद। कौन सी रेसिपी है? दम मिर्च मछली। इसके लिए आप तेल में चना दाल और उड़द दाल डालकर भूनें। इसके बाद इसमें करी पत्ता डालकर भूनें और मिक्सी में कटा अदरक, कटी हरी मिर्चें, ग्रेट किया हुआ नारियल और इसके साथ भुनी दाल का मिक्सचर डालें और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लें और इसकी पेस्ट बना लें। इसके बाद इस पेस्ट को फिटी हुई दही के साथ डालकर मिला लें और इसमें नमक और नींबू का रस डालकर मिलाएं। इसके तड़के के लिए तेल में राई और सूखी लाल मिर्चें डालकर भूनें और इसे दही के मिक्सचर में डालकर मिलाएं और सर्व करें। टाटा सॉल्ट खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा मैंने आपको बताया, अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी मुश्किल रेसिपी। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है, लेकिन जो इसमें तैयारी है थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। तो देखते हैं थोड़ी सी मुश्किल रेसिपी जिसका नाम है दम मिर्च मछली। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 किलो बोनलेस फिश, 1 कप प्याज बारीक कटा हुआ, 8 से 10 हरी मिर्चें, 3/4 कप हरे धनिए के पत्ते, 1/4 कप पुदीने के पत्ते, 2 बड़े चम्मच तिल, 3 बड़े चम्मच खसखस, 2 बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच शाही जीरा, 2 बड़े चम्मच घी, तलने के लिए तेल और नमक स्वादानुसार। दम मिर्च मछली के लिए आप सबसे पहले जो फिश है, मछली है, आप बोनलेस फिश ले लें और उसके टुकड़े काट लें। थोड़े मोटे टुकड़े होने चाहिए इस डिश के लिए और आप किसी भी फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो बेकती ले सकते हैं, आप चाहें तो पॉम्फ्रेट ले सकते हैं, आप चाहें तो हड्डी के साथ भी इस फिश को बना सकते हैं। इसके बाद इस फिश में थोड़ा सा नींबू का रस, नमक, 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, इसके साथ इसमें डालें चुटकी भर हल्दी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इस मिक्सचर में फिश को हमने करीब 15 से 20 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रखना है और उसके बाद फिश को हल्का सा फ्राई हम करेंगे। फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, जब तेल गर्म हो जाएगा तब इस फिश को हम फ्राई करेंगे। तब तक मैं कुछ चीज़ें आपको और बता देता हूँ। यहाँ पर हमने पेस्ट तैयार करके रखी है। ये जो पेस्ट है इसमें है हरे धनिए के पत्ते, पुदीने के पत्ते और 2 हरी मिर्च। अब ये जो तेल है ये गर्म हो चुका है, फिश के पीसेस को हम फ्राई कर लेते हैं गर्म तेल के अंदर। अब ये जो फिश है फ्राई हो रही है, इसकी ग्रेवी की हम तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए एक बर्तन में घी ले लेते हैं हम। ये फिश जो है इसे हम चेक कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी लाल होनी शुरू हो गई है, इसे पलट लें आप। इसके बाद पलटने के बाद इस फिश को दूसरी तरफ से भी इतना ही लाल कर लें। अब ये जो तेल है ये भी गर्म हो चुका है, इस तेल के अंदर हम डालेंगे शाही जीरा। शाही जीरा जब भुन जाए तब आप इसके अंदर डालें बारीक कटा हुआ प्याज, इसे भी हमने भूनना है। आपने अभी तक देखा है कि हमने इसके अंदर मच्छी ली है लेकिन मिर्च नहीं ली है,
और इस डिश का नाम है दम मिर्च मछली। तो आप हरी मिर्च ले लें और हरी मिर्च को अच्छी तरह से आप धो लें। आप चाहें तो इसी तरह से स्टेम इसकी रख सकते हैं, नहीं तो इसकी जो स्टेम है उसको निकाल भी सकते हैं। और उसके बाद इस हरी मिर्च को आप बीच में से इस तरह से चीरा दे दें। ये जो फिश है ये फ्राई हो चुकी है, इसे भी हम निकाल के रख लेते हैं। इस तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब इस प्याज के मसाले में आप डालें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और अब ये जो तेल है पूरी तरह से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी हमने थोड़ा फ्राई करना है। अब ये जो हरी मिर्च है इसे हम निकाल लेते हैं, इस फिश के साथ रखेंगे इसे हम। अब ये जो प्याज का मसाला है जिसमें हमने अदरक का पेस्ट डाला है, लहसुन का पेस्ट डाला है फ्रेश, और इसमें हल्दी पाउडर डाला है, इसके अंदर एक हम पेस्ट डालेंगे। ये पेस्ट है सेसमी सीड्स, यानी तिल, जिसे हमने थोड़ा सा भुना है, और उसके साथ इसमें डाले हैं हमने खसखस पॉपी सीड्स। दोनों चीज़ों को पानी के अंदर भिगो के हमने पीसा है। इसको जितना आप महीन पीस सकते हैं उतना महीन पीसें। और इस पेस्ट को मिक्स करेंगे इसके साथ हम प्याज के मसाले में। थोड़ा पानी डालते हैं इसके अंदर हम। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये पेस्ट जो हमने बनाई है, जिसमें है हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। इसे मिक्स कर लें। और अब इसमें हम डालेंगे नमक, क्योंकि इसमें अभी तक हमने नमक नहीं डाला है। नमक डालने के बाद ये जो फिश और हरी मिर्चें, जो मछली और हरी मिर्च है जिसे हमने फ्राई किया था, इसको इस मसाले में हम डालेंगे। और इसके बाद इसमें डालें नींबू का रस। नींबू का रस डालने के बाद इसे आप हल्के हाथ से मिला लें। इसके बाद ये जब थोड़ा सा उबलने लगे इसके ऊपर आप ढक्कन लगा दें, और इसके बाद इसकी आंच आप धीमे कर दें, और इसको धीमी आंच पर करीब 10 मिनट तक इसी तरह से पकने दें दम के अंदर। आप चाहें तो इसको अवन के अंदर भी पका सकते हैं, किसी अवन प्रूफ डिश में रखकर उसे कवर करें, और प्री हीटेड अवन के अंदर जो करीब 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो, करीब 10 से 12 मिनट तक आप अवन में इसको पकाएं दम पे, तब जाके तैयार होगी ये एकदम बढ़िया सिंपल। हाँ, अब तो सिंपल लगेगी क्योंकि अब हमने इसको तैयार कर लिया है। वैसे मेहनत लगती है, थोड़ी सी पेस्ट एक दो बनानी पड़ती है, इसलिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन है खाने में बहुत ही मज़ेदार दम मिर्च मछली। इसके लिए आप बोनलेस फिश के पीसेज में नींबू का रस, नमक, अदरक की पेस्ट, लहसुन की पेस्ट और हल्दी पाउडर मिलाकर इसे करीब 15 से 20 मिनट तक रख दें। इसके बाद इसे तेल में दोनों तरफ से फ्राई कर लें, और हरी मिर्चों को भी बीच में से चीरा लगाकर इन्हें भी तेल में फ्राई करके निकाल लें। इसकी ग्रेवी के लिए घी या तेल में शाही जीरा और बारीक कटी प्याज डालकर भून लें, और इसमें लहसुन की पेस्ट और अदरक की पेस्ट डालकर भूनें। इसके साथ इसमें हल्दी पाउडर डालकर मिक्स करें। इसके बाद इसमें भुने तिल और खसखस की पेस्ट डालकर इसे पका लें, और अब इसमें पानी डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की पेस्ट डालकर मिलाएं, और इसमें नमक डालकर मिक्स करें। इसके बाद इसमें फ्राई की हुई फिश और हरी मिर्चों को डालें, और ऊपर से नींबू का रस डालकर इसे हल्के हाथ से मिलाएं, और इसे धीमी आंच पर ढक्कन लगाकर करीब 10 मिनट तक पकाएं और सर्व करें। टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को एक बार फिर संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। दही की चटनी हमने देखी, उसके बाद दम मिर्च मछली। अब बारी आती है कुछ मीठे की, और ये एक ऐसी मीठी डिश है जो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जो मीठे से दूर भागते हैं। देखते हैं कि किस तरह से हम बना सकते हैं कम मीठी एक ऐसी फिरनी जिसे खजूर से बनाया गया है। देखिए खजूर की फिरनी। इसके लिए हमें चाहिए
25 से 30 खजूर, 1 लीटर दूध, 3 बड़े चम्मच चावल का आटा, आधा छोटा चम्मच छोटी इलायची पिसी हुई, 1 बड़ा चम्मच देसी घी, 1 बड़ा चम्मच गुलाब जल, 15 से 20 पिस्ते बारीक कटे हुए और चीनी यदि डालना चाहें तो इच्छा अनुसार। खजूर की फिरनी के लिए सबसे पहले हम खजूर को पकाएंगे और पकाने के लिए आप देसी घी ले लें। यदि आप चाहते हैं कि इस डिश में कैलोरीज कम हो तो आप खजूर को बिना घी के भी पका सकते हैं। यहाँ पर मैं घी के साथ आपको बता रहा हूँ, आप खजूर ले लें और खजूर में से उसका जो बीज है उसे निकाल लें और उसके बाद खजूर को बारीक आपने काटना है। इसमें से बीज निकले हुए हैं और इसे हमने बारीक काटा है और इसे हम देसी घी में थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें करीब आधा कप पानी डालकर इसे हमने सॉफ्ट करना है। ये जो खजूर है इसे हम पकाएंगे। अब ये जो इसमें हमने पानी डाला था वो सूख चुका है और ये जो डेट्स हैं, खजूर हैं, ये भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध। दूध डालने के बाद इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें और अभी भी इसे हम तेज़ आंच पर ही पकाएंगे। अब ये जो दूध है उबलना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चावल, ये चावल का आटा है, इसकी आंच हम धीमी कर देते हैं और इसे अब हम पकने देते हैं। अब इसमें जो चावल है वो पूरी तरह से पक चुका है और जैसा कि मैंने बताया, आप चाहें तो इसमें चीनी ना भी डालें क्योंकि खजूर इसके अंदर काफ़ी मात्रा में है और काफ़ी मीठा है, लेकिन मीठा जब तक पूरी तरह से मीठा ना हो तो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता, तो इसलिए कुछ चीनी डालने के बाद इसे मिक्स कर लें ताकि चीनी पूरी तरह से घुल जाए और इसके बाद इसमें डालें इलायची पाउडर खुशबू देने के लिए, छोटी इलायची का पाउडर। इसे मिक्स कर लें और इसके बाद इसमें डालें गुलाब जल। मीठे के अंदर गुलाब जल का अपना एक खास फ्लेवर होता है। इसे अब हम बंद कर देते हैं, चीनी पूरी तरह से पिघल चुकी है और अब आप चाहें तो इसको मिट्टी के सकोरों के अंदर डालकर फ्रिज के अंदर रखें, थोड़ा जब ठंडा हो जाए उसके बाद फ्रिज के अंदर डालें तो ये अपने आप सेट हो जाएगा, नहीं तो आप चाहें तो बड़े बोल के अंदर भी इसको डाल सकते हैं। इस तरह से इसको पोर कर लें, आप चाहें तो इसे गर्म या ठंडा, वैसे ये जो डिश है ठंडी ज़्यादा स्वाद देती है, आप इसको कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दें फ्रिज के अंदर और उसके बाद खाएं। लेकिन फ्रिज में रखने से पहले इसके ऊपर बारीक कटा हुआ पिस्ता डालने से ये जो खजूर की फिरनी है वो दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। खाने में तो बढ़िया होगी ही लेकिन दिखने में भी अब अच्छी लग रही है, लेकिन इस तरह से नहीं, इसको ठंडा करके खाना पड़ेगा। ठंडा करने के लिए इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। मैं तो ले जाता हूँ इसको घर, ठंडा करूँगा, खुद खाऊँगा और पड़ोसियों को खिलाऊँगा। आप बनाइए बाकी चीज़ें, यानी दही की चटनी और दम मिर्च मछली, और बारी तब आएगी इसकी। मैं तो चला घर फ्रिज में रखने, खुद खाने, पड़ोसियों को खिलाने। नहीं नहीं, थोड़ी सी क्वांटिटी है, अगर पड़ोसियों को खिलाने हैं तो शायद ये भी लेके जानी पड़ेगी। संजय ये जरा लेके आना। इसके लिए आप देसी घी में कटे खजूर के पीसेस को डालकर थोड़ा भून लें। इसके बाद इसके अंदर पानी मिलाकर इसे अच्छी तरह से पका लें। अब इसके अंदर दूध डालें और जब दूध उबल जाए तब इसके अंदर चावल का आटा डालकर मिलाएं और इसे पका लें। इसके बाद इसमें चीनी डालकर मिला लें। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालकर मिला लें और साथ में गुलाब जल डालकर मिक्स करें और इस मिक्सचर को एक डिश में निकालकर इसके ऊपर कटा पिस्ता डालें और इसे ठंडा करके सर्व करें।